आदमी बना दे नहीं घर मस्त ठंडा है भैया, छानी वाला घर है देखो। सीजी के पारस सबो लइका पिचका और जवान से अनमला जय जोहार संगवारी हो। आज हरे संडे और आज हम आ चुके हैं थोड़ा से घूमे बर पुरखावती मुक्तांगन देवी जी ला लेके से देवी जी। हाँ। देवी जी आज पहने थोड़ा सा लाइट कलर के क्या का बोला थे उस समय एलविडो कम है इसका एलविडो कम एलविडो वाला कपड़ा पहने देवी जी। अरे मोर कपड़ा बता दो एलविडो क्या होता है। मोर कपड़ा के एलविडो थोड़ा सा ज्यादा है। एलविडो मतलब कि अच्छा वहाँ पे पर्ची दो आपके पास है क्या? नहीं मैं तो वो कार वाला पकड़ी। चलो तो हो गए हैं एंट्री हो गए हैं मरवन के भैया वो कार वाला कहाँ मिली? हाँ और पर्ची है इधर तो संगवारी हो पिछले बार आ रहे हैं तो हम पैदल पैदल घूमते रहे तो थक गए हैं घूम नहीं पा रहे हैं एक साइड बस घूमे हैं। हाँ ये तरफ पिछले बार आ रहे हैं तो ये तरफ घूमे हैं ना अब हमारे ये तरफ घूमना है शायद ये तरफ है कि नहीं है का है मुझे नहीं पता ये तरफ नहीं गए वो तो पूरा घुमा देगा क्या मतलब ये जो पूरा घुमा देगा क्या बैटरी वाला जो कार है बुक करे हैं और देवी जी क्या और एंट्री टिकट अभी वहाँ घूमबो लेकिन कहाँ यार अच्छा वाहन चालक का ये यहाँ पे संगवारी हो अभी हम बैठ चुके हैं भैया चालू कर रहे थे कार ला चलो पकड़ो बैग भैया ये जो बीच बीच में नाचा वाचा है सब देखिए कह रहे अलग अलग वो तो पड़की है दिवाली अच्छा, वाला कोई पड़की है कोई रात नाचा है कोई और कुछ है ना कुछ कौन सा नाचा है भैया ये वाला खरबूजा की ये देखो ये है बस्तर डांस ये काकर घर है भैया ये वाला घर रजवाड़ घर रजवाड़ों का जैसे अच्छी है सरगुजा कला उसमें जो पेंटिंग हुआ है ना हाँ। वो वहाँ होता है सरगुजा कला लिखा है तो सरगुजा का हो हाँ यार ये तरफ नहीं आ रहे थे पिछले बार मतलब भैया यहाँ पे छत्तीसगढ़ के जो जो प्रमुख पर्यटन स्थल है उसका कॉपी बने का यहाँ पे संगवारी हो ये हरे भोरमदेव मंदिर के कॉपी ठीक है पिछले बार भी तो इसे घूम सकते थे क्या हमको पता नहीं था गाड़ी लेके आना होता है हम इसे आ गए थे भी कौन सा कूलर है पता है का ये वाला रेड वाला यहाँ से जबरदस्त लाइन शुरू होते संगवार हो यहाँ पे आजू बाजू में अलग अलग मंदिर के बारे में अलग अलग खेल के बारे में अलग अलग जो है छत्तीसगढ़ के आभूषण के बारे में अलग अलग छत्तीसगढ़ के वाद्य यंत्र के बारे में पूरा बताए और दिखाए गए हैं। ये जगह लगते सबसे ज्यादा सुंदर यहाँ पे 36 खंभा बने हुए हैं स्तंभ जो कि छत्तीसगढ़ला रिप्रेजेंट करते छत्तीसगढ़ के 36 किले वाले। तो संगवारी हो अभी हमन जावाधन बस्तर गांव साइड में वो देखो वो दीवार में पेंटिंग है ना उसे मुराल पेंटिंग बोलते हैं इसको देखेंगे तो देख के आते आप रुकेंगे भैया तो ये है संगवारी हो बस्तर गांव चलो अरे ये काकर टाइप की दिक्कत पता है मेरा समझ ऐसी वाला है जगदलपुर में जो महल है ना ओकर एंट्री आई थिंक ऐसी ही है सीढ़ी है मस्त ऊपर जाने का चलो वो बस्तर गांव देखो अभी ठंड के मौसम रहती है वहाँ बैठ के मस्त फोटो वगैरह क्लिक कर वहाँ वहाँ देखो ना बस अब बताओ क्या बोलते थे पहले बस्तर को दंडकारण्य का पठार बोलते राम के जमाने में बस्तर बोलते हैं पहले दंडकारण्य बोलते थे राम भगवान के जमाने में अभी बस्तर बोलते हैं ऐसा दंडकारण्य का वो बोलते थे ये मंदिर आई थिंक मैं जा चुका हूँ तो संगवारी हो ये हरे मुरिया जनजाति के युवा ग्राहक खोटुल देखो इधर कुर्सी बनाए आओ ना बैठेंगे ऐसी घर मस्त ठंडा है भैया छानी वाला घर है देखो बहुत ठंडा है ऐसी तो होना चाहिए पता है पेड़ को काट के ना वो कुर्सी बना है एकदम नेचुरल पेड़ क्या होती है ये देखो संगवारी पूरा एक पेड़ को काट दिया
ये देखो संगवारियो कितना जबरदस्त यहाँ पे वो बने हुए है, मतलब ईच में ना पूरा एक जन आदमी बना दे है, नहीं ये लेडीज अरे ये देखो कैसे बने हैं जबरदस्त। हेलो लेडीज, क्या आपके पीरियड्स टाइम पर नहीं आते? फ्लो बहुत कम या बहुत ज्यादा होता है? पीरियड्स में क्लॉट्स आते हैं या फिर डार्क पीरियड्स आते हैं और बहुत ज्यादा दर्द होता है? या फिर बालों के गिरने से हैं आप परेशान, डर लगता है कि कहीं टकली ना हो जाऊं? तो इन सभी प्रॉब्लम्स का है हमारे पास सॉल्यूशन, और ये कोई मेडिसिन नहीं है, ये है 100% नेचुरल सीजी के पारस सीबकथॉर्न जूस। इसे पीने से सिर्फ एक महीने के अंदर पीरियड्स टाइम से आना शुरू हो जाएंगे, वो भी बिना किसी दर्द के। साथ ही बालों का झड़ना रुक जाएगा और बाल घने होने लग जाएंगे। बच्चे की डिलीवरी के बाद हेयर फॉल होना कॉमन है, तो वो भी इसे उपयोग कर सकती हैं। बिना किसी साइड इफेक्ट के इतने सारे बेनिफिट्स, तो अब देर मत कीजिए, सीजी के पारस सीबकथॉर्न जूस आज ही ऑर्डर करें। हमें कॉल या व्हाट्सएप करें 9111193541 पे, या विजिट करें cgkparas.com और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल सीजी के पारस को हमसे जुड़ी स्टोरीज जानने के लिए। ऐसे घर होना चाहिए देवी जी, एक घर भाई और भाई थोड़ा जगह आजू बाजू जगह हमारा, जैसे वो वाला कुछ भी शादी बर भी होगी ना, कुछ भी मतलब देखो हाँ इतना स्पेस होना चाहिए, ये मान सामने में पूरा कार्यक्रम हो सकता है, पीछे में पूरा खाना वाना बन ही है। हाँ इतना स्पेस मैं बोलती थी ना, घर ऐसा होना चाहिए कि उसके चारों दिशा में ऐसे खुला खुला बोले जाते हैं घर, जगह परिक्रमा हो सकता है, और साथ में जो पूजा करते है ना सुबह शाम, ये तो वो घर और बेहतरीन ही आता, स्टाइल देख लिया रहो, फोटो खींच के रखो, आपके लिए बनवाऊंगी ना एक झोपड़ी, और बेहतरीन आपके लिए झोपड़ी बनाएंगे ना। अब तो पहाड़ के जगह बस्तर जाने का मन कर रहा है। हाँ तो बस्तर बहुत वो है, लेकिन वहाँ ना यहाँ पे आधा मुंडी वाला पूरा ऐसी, और ये समझ में नहीं आ रहा इसमें खींचना, अपन अपन मुंडी फिट करके फोटो खिंचा जा सकते हैं। अरे रखो रहो ना, बढ़िया आ रहा है, बढ़िया ऐसी रहो, घर से चालू करते हैं, घर से आ गए रहो ना। अब ये दूसरा घर, हाँ यार ये तो बेहतरीन है यार, जल्दी करो एक घंटा हो जाएगा तो चला जाएगा। हाँ सही बात, दो तीन घंटे के लिए बुक करना पड़ेगा। ये यहाँ से ये देख रहे हो, ऐसे में तो हमारे बकरियाँ रखते हैं, ऐसे तो आपके यहाँ पे असल में होता है बकरियाँ रखते हैं। हाँ यहाँ पे ऐसे जाइए, अरे चप्पल है कोई घुसा है देखो, ये मुर्गी उर्गी रखा है, एक चीज क्या है यार, एक गाय वाय के रखा है, गाय कोठा नहीं लकड़ियाँ वगैरह, चलो ना अंदर चलो, क्या हुआ अंदर नहीं आना बोले कोई है। अच्छा सो रहे होना चाहिए घर में, ये संगवारी हो है, एक ऐसे चीज है रे, ओरिजिनल चीज बोलो ना, ये बोले जाते ढेंकी, पता है कि नहीं पता, ढेंकी बोले जाते हैं। हाँ हम लोग भी ढेंकी बोलते हैं, पता है इसको छूने से पहले प्रणाम करते हैं। जय अभी ना लॉक कर दे, पता है यहाँ से बांध दे, बताऊँ यहाँ पे ना एक लकड़ी होगा, रस्सी होगा ठीक है, और रस्सी पकड़ेंगे तो उसी के सहारे ना ऐसे 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 मारते रहेंगे, इतना लंबा है ना ये पकड़ना पड़ता है, समझ गए ये लंबा है तो इसी पकड़ सकते हैं। हाँ तो उतना पास आगे ऐसे कौन पकड़ेगा, हमारा कैसे होता है इधर रस्सी लटका होता है उसी में झूल झूल के एक पेड़ से मारेंगे, चलो ना खड़े हो जाएगा उधर उधर, यहाँ पे ना देवी जी और आना पड़ेगा बार बार यहाँ पे, अच्छे से बहुत सारे हैं, देखो सवारी हो इतना खाली जगह होना चाहिए पता है घर में, ऐसी रहते हालांकि सीमेंट पर है भाई, लेकिन ये देखो कौन सा वाला घर पसंद है देवी जी आपको, ये वाला सारे अच्छे, ये वाला सारे अच्छे, एक और काना में देखो, ये दे बाहर में चूल्हा, भरिया सेन मरिया लोन मुरिया लोन, देखो चूल्हा भी है मतलब ये किचन है, अरे जात है जात है ऐसा घर बनाएंगे, जाता और बाजू में चूल्हा, ये देखो ये जाता है वहाँ पे चूल्हा है, आइडिया बहुत है ना, यहाँ पे इसको ऐसे छाने कर देंगे ना लकड़ी भी आ जाएगा है ना, छाने करेंगे तो ऐसे लकड़ी भी आ जाएगी। चलो इस घर का आजू बाजू देखते हैं क्या है, अब समझ में आया उसको बंद करो। तो संगवारी हो हमारे अभी घुमाते हैं ना, और हमारे सब्सक्राइबर मिल चुके हैं खुशबू बांदे, और आपका क्या नाम है, धामिन रात्रे, हेलो बोल दो, जय जोहर संगवारी हो, तो संगवारी हो चलो कैसे लगे यहाँ पे घूम के, बहुत अच्छा, कौन गाँव से आया हो, मैं पिरदा से आ रहा हूँ, पिरदा और निमोरा, नहीं दो तीन बार लड़की है रे जिला में घुमाए वाला। अच्छा चलो ठीक है बढ़िया, आप वाला कैसे लगे थे, जबरदस्त बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लेकिन बहुत धूप भी है, तो है सिर्फ स्ट्रक्चर है फिर भी इतना जगह छोड़ा, तो पता असली, है असली सामने देखो आपका पसंदीदा चीज क्या, कुआं, कुआं मेरा पसंदीदा कुआं, सच में कुआं क्या है जहाँ, अरे कुआं डिजाइन है वो भले ही नकली हो, डिजाइन वैसे ये तो नींबू का पेड़ लग रहा है, नींबू का नहीं मौसम्बी, ये क्या चीज है यार, नींबू है नींबू, हाँ पता है जब मैं वहाँ गया हूँ ना, इसमें गाय और वो रखने का, हाँ ये देखो कुछ यहाँ पे बने हुए है, देवी जी बताओ ये क्या चीज है, डस्टबिन है रखा है, नहीं पता ये वाला नहीं पता, चलो जल्दी चलो हो गया यहाँ से चलते हैं, देख गाय की कोटना कौन सा,
छोटे से। तो ये किस लिए? संगवारी हो, ये है एक विशेष स्थल, देखे से ऐसे लगता है कि कोई, ऐसा लगता है कि यहाँ कोई कुछ बांध के जाता होगा, कोई कुछ बांध के जाता होगा। समझ आया, इसको ना मैंने यूट्यूब में देखा था। क्या वो ना बस्तर के ना मतलब जो देवता रहते ना यमा आते इसे टाइप के कुछ हरे का चीज। बस्तर की तो देवी होती थी काचिन गादी, बस्तर की तो देवी होती थी काचिन गादी, वो अभी आराधना नहीं, पहले आराधना थी। एक माता आती है मतलब ना, एक ऐसी लड़की जिसको पीरियड नहीं आया है उसके ऊपर में माता आती है, तो हर साल ना कुछ करते हैं बस्तर दशहरा में शायद ना, अभी उतना याद नहीं है, शायद 74 डेज का होता है बस्तर दशहरा, तो उसमें ना काशिन गादी माता आती है। देखो यार इसमें कितना सारा डिजाइन बना है सबका अलग अलग, ये देखो ये घेरलाइकल धर के जावत बस्तर के कला हरे। और बता ये भी घर है कि वो ऐसे ही बना? ये कुछ गेम को शो के, नहीं नहीं उस तरफ जो घर है वो ऐसे ही? हाँ वो तो नहीं पता उसके बारे में मेरे को। इस तरफ और झोपड़ी है, चलो संगवारी हो। ये देखो एक और दूसरा घर, देवी जी कहा थे कि ये है हरे लाल बंगला, नहीं पता नहीं भी हो सकता है भैया कहीं पे लिखा है नहीं है। देखो कबूतर पालने का लाल कलर के, देखे लाल बंगला कहा थे। ये देखो कबूतर पाले के मस्त डिजाइन बने यार, एक नंबर बेहतरीन बना ना ये ढांचा बस है, लेकिन इतना सुंदर बना। रसोई है ना ये बेहतरीन है, पता है घर के बाहर रसोई मेरे को समझ में नहीं आया। तो अरे धुआं होते ना यार, तो आज से तो गैस है। वाह, पहले के हिसाब से दिखाए गए हैं। नहीं बस्तर में शायद अभी भी वो चूल्हा में ही बनाते हैं। ये देखो संगवारी हो अबुझ माड़िया की घर, कितना जबरदस्त है। छेदा में से निकलो ना, वहाँ देखो वहाँ कुछ पूजा हो रहा है, देवी देवता भी है, जल्दी शूटिंग करके आओ। देखना यार कितना बढ़िया बढ़िया, वहाँ देखो कौन से देवी है, हाथी में चढ़े आई थिंक। नहीं हाथी नहीं, वो फिर से ढेकी है। वैसे बार बार बंद हो जाते इसे लगते आ रहे कैमरा, फिर से ढेकी है। ढेकी हाँ ढेकी, पूजा देखो ना आगे ढेकी ना है भाया, ये कुछ और चीज है टंगाई हुई है। सवारी हो ये क्या चीज है बताओ मैं? ये है ना मतलब ऐसी चीज है, यहाँ पे ना मतलब उस तरफ जो पत्थर निकल के आते ना खदान से, जहाँ लोहा रथे वो वाला यहाँ पे आई, यहाँ पे आग जलत रही, और ये जो दो ठो ये बने हैं ना ये वाला ये देख ऐसे ऐसे करके ऐसे ये करी दबाही दबाए कर रहे, वहाँ से हवा जाते तो तेजी से जलते, तो पत्थर पिघल के ना लोहा बनते, और लोहा बनते तो फिर ये सब चीज ला ऐसे बनाते, ये पूरा लोहा का रहे जानते, ये भी लोहा का रहे। तो देवी जी आ चुके हैं अभी एक तो दूसरा वाले, ये देखो मकान में बस्तर में अभी अब मंदिर है, मंदिर मंदिर गांव में मंदिर है, मंदिर है। अच्छा हाँ मंदिर है, ये कौन सा मंदिर है यार, जाने पहचाने टाइप के वो लिखा है फ्रंट में पढ़ो तो। ये है संगवारी हो गुंसी राव देव जी मंदिर, पानी देना तो आओ ना, अंदर जाना मना है कैसे बाहर से दिखा तो। ये देखो बंद भी है ना शायद यहाँ पे, होकर बाद लिट्टो मतलब वो करे हैं क्या, ये लो सेम टू सेम बनाए हैं। हाँ, ऑलमोस्ट सेम टू सेम। ये देखो ऊपर के नजारा कुछ ऐसे है, मंदिर भी बनाएंगे तो गर्भगृह को बस बनाएंगे क्या, मस्त डिजाइन बना है यार, लेकिन वाकई में पूरा खुला खुला है ना, अच्छा लग रहा है, कई टाइम लग गई। ये देखो अंदर के देवी, ये कितने एकड़ की जमीन होगी पता नहीं संगवारी हो। ये देखो ये मोर पीछे में जो है ना, ये हरे झूला लकड़ी के, देखो कैसे बने हैं जबरदस्त, यहाँ से ऐसे वही ऐसे 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 आगे पीछे हुई है, अभी ये लॉक कर देगी ताकि कोई नुकसान मत पहुँचाया। और ये झंडा ला गड़ाए के जबरदस्त स्टैंड, और यहाँ पे हाथी के ऊपर में लोहा के हाथी, अरे लोहा के हाथी के ऊपर में देवी विराजमान है, देवी हरे के देवता है, आई थिंक देवता हरे। संगवारी हो अभी मोला याद आ चुकी है, ये जो पीछे में मंदिर है ये है हरे नारायण पाल मंदिर, जहाँ तक मोला याद है, अमर की एक बार जा चुके हैं, सामने में जा कर के देखन की वही हरे की दूसरा। अरे उस तरफ जाना तो बचाई है, डिजाइन से तो वैसे ही लगा, बहुत बड़े एरिया है यार वाकई। मैं गाड़ी तरफ जाऊँ? नहीं कैसे चले जाओगे, ये देखो मैं पक गई हूँ यार। पाल मंदिर प्रतिकृति उसका कॉपी है, ये नारायण पाल मंदिर का बढ़िया। यही मैं ना वीडियो बना यार सब जन, मैंने तो सोचो मैं कहाँ पे है भाई ये जगह ऐसे करके मुक्तांगन आओ, ये कौन सी जगह है रे, बस्तर दशहरा का मृदा शिल्प प्रदर्शन। अच्छा ये है बस्तर दशहरा का, इसमें काशिन गादी माता भी होगी पूरा ना, यहाँ पे वो है बहुत बड़ा है बस्तर दशहरा, बहुत धूमधाम से मनाते हैं। इतना बड़ा का वो थे लकड़ी उठा लेगा यार, ये देखो अरे वो अलग अलग जनजाति आके ना, लकड़ी लाने वाला अलग होता है, पूजा करने वाला अलग होता है, तालाब के तालाब
आपकी मछली दिखाई आई थी ना, ये तो धड़ भी नहीं है। अरे कैसे नहीं यार, निकल गया होगा। था निकल गया। हाँ पहले था, इसमें निकल गया। उसमें नहीं, उसमें था ही नहीं। अलग अलग जोड़ जोड़ के बनाया होगा इसलिए। संगवारी वो देखो सामने में रथ टाइप के बड़े बड़े जो दिखत ना, वो चीज़ है बे दंतेवाड़ा में, और सॉरी दंतेवाड़ा या जगदलपुर में है बे। और उस जिला में देखे हो सामने से कई मतलब एकदम रोड में, खाली रोड में रखा हुआ है। मैं सोचा यार का चीज़ है रे भाई से करके, लेकिन आप समझ इसकी वो बहुत पूरा पुराना प्राचीन चीज है रे करके। संगवारी वो अभी बस्तर घूमना हो चुके, अभी हम जावत हैं सरगुजा। इसका फोटो लिया कि नहीं, इस गेट में फोटो लेना था ना। कोई बात नहीं, ये सरगुजा में एंट्री हुआ थी हमारे, जाके देखना है कि ऐसे ऐसे घूमेंगे दूर दूर से, दूर से घूमते हैं। ये क्या मंदिर है, इसको क्या बोले, बुढ़िया पैलेस, बुढ़िया पैलेस। यहाँ पे क्या होता है जगह, इस तरफ देखो नहीं है कोई, ये जबरदस्त रामगढ़ गुफा। सीता बहन इतना सुंदर में। ये है रे सीता बाड़ी संगवारी हो, ये तो राजीव में है बे, राजीव लोचन मंदिर के बाजू में। अरे हम लोग गए हैं ना। अब यहाँ पे देखो संगवारी हो, पूरा लकड़ी से लकड़ी के घर बने हैं, जहाँ पे हमारे कुछ सब्सक्राइबर मन बैठे हैं। ये हो चुके हैं सरगुजा संभाग के घूमना, अभी हम जावत हन वापस। ये का चीज है भैया जो बना थे, ये राम जहाँ जहाँ गए थे ना वहाँ। अच्छा अंदर है मतलब पूरा बजी है नी। ये क्या भैया बाजू वाला, अच्छा गढ़ कलेवा ये बना था अभी शुरुआत। गढ़ कलेवा मतलब सवारी हो, यहाँ पे ना पूरा जो भी छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़ी व्यंजन है खाना पीना वो मिली। तो सवारी हो यहाँ पे छत्तीसगढ़ हर्बल के पूरा यहाँ पे प्रोडक्ट है, अलग अलग चीज है, जैसे कि ये है देखो आंवला कैंडी नमकीन, ये है आंवला कैंडी। ये एक दूसरा भवन है जहाँ पे अलग अलग चीज रखा है कलाकृति बेचाए बर। तो संगवारी हो आज के वीडियो बस अपनी दूरी तक, वीडियो आप मतलब कैसे लगी इस कमेंट करके जरूर बताओ। अच्छा लगे सही तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, और इसमें छत्तीसगढ़ी में वीडियो देखना है तो सीजी के पारस में सब्सक्राइब कर दो। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, और मुक्तांगन घूमे बर जरूर आहो, जब भी आहो लेफ्ट साइड पहली जाओ, वो तरफ ज्यादा अच्छा है भी। तो संगवारी हो अमर वापस जावा था ना, बीच रास्ता में देवी जी ने दिख दिए छीन के पेड़ जिमा पके हुए भी अभी कुछ था गिरे हुए ध्यान से। अब मैं ही बोलूँ ना यहाँ से तोड़ो और नीचे जाओ बिन के ला लो, वो तो सूख गए होंगे, सूख के पके होंगे। वो तो पेड़ में है ना, इस कोंटे में देखो ना, नहीं इस कोंटे में पूरा टहनी के साथ है ना, इधर मारो ना नीचे जाके मारो तो, हाँ और बिन के ला लेना। हाँ हाँ ये तो गिर गया ना, जाओ बिन के लाओ। बस बस ज्यादा नहीं खाएंगे, हो गया बस, पके हुए ज्यादा अच्छे लगते। ये देखो संगवारी इतना सारा छीन जो है बिना चुके है।